हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इक्वेटर एकेडमी में। और एक और छोटा सा वीडियो मैं आपको लेके आया हूँ आप लोग के लिए, यूपी पीएससी आरओआरओ के एग्जाम के लिए कि जनरल साइंस की तैयारी कैसे करें आपके यूपी पीएससी आरओआरओ एग्जाम के लिए। तो आपको ये समझना होगा कि जनरल साइंस से क्वेश्चन पहले बात तो कितने आपके आते हैं और जनरल साइंस में सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर हम आपका जो सिलेबस है अगर वो देखें जो कि आपके कमीशन के थ्रू जो है पब्लिश हुआ है, उसमें सबसे पहला ही जो अगर आप देखें तो क्या रखा गया है, जनरल साइंस रखा गया है। ठीक है, अब आपको समझना है कि जनरल साइंस में क्या क्या टॉपिक है। तो सबसे पहले जनरल साइंस में जो टॉपिक है जो आपको कंप्लीट करना होता है वो होता है सबसे पहला आपका बायोलॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला जो है आपका है जूलॉजी, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। और दूसरा जो है बच्चों वो आपका क्या होता है, बॉटनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। तो पहला तो आपका ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जनरल साइंस में जो आपको कवर अप करना होता है वो आपका होता है क्लास 10 की फिजिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पार्ट जो आपका आता है जनरल साइंस के अंदर वो है आपका केमिस्ट्री, ठीक, जिसे हम लोग रासायनिक विज्ञान बोलते हैं। चौथा पार्ट जो आप लोग पढ़ते हैं वो है आपका क्या, कंप्यूटर। ठीक है, चौथा पार्ट आपका कंप्यूटर हो गया। और पांचवा पार्ट आप इसके अंदर ले सकते हैं क्या, जो अभी के टाइम पे आप कह सकते हैं जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई और आपका मोटे तौर से जेनेटिक्स आपका हो गया। ठीक है, तो ये पांच पार्ट से जो है आपका क्या बना होता है, जनरल साइंस जो है वो बना होता है। अगर आप पिछले अपने पेपरों को उठा के देखें तो आपके जो 140 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 140 जो क्वेश्चंस हैं उसमें लगभग आप मान के चलिए कि जो इनके क्वेश्चंस की जो जो फ्रीक्वेंसी है वो वैसे तो एक नहीं रहती है, हर बार आपकी क्या रहती है, थोड़ा चेंज होती रहती है। लेकिन हम लोग जो डेटा हम लोग निकाले हैं कि क्या किस रेशियो में आपके आ सकता है, तो लगभग लगभग आप मान के चलिएगा कि अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक है, 10 to 15 क्वेश्चन के बीच में ही आपके क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो बायो से आए, चाहे वो आपके फिजिक्स से आए, केमिस्ट्री से आए, कंप्यूटर से आए, या स्पेस साइंस हो गया, या जेनेटिक्स आपका हो गया। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन, 140 में से, ये आपको समझना। ठीक, अब कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि जनरल साइंस के लिए बेस्ट किताब कौन सी है। तो देखिए, लगातार आपका जो यूपीपीसीएस है वो लगातार अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज करता आ रहा है। पिछले 2-3 सालों में बहुत उसने चेंज कर दिया है और वो क्वेश्चन से साफ साफ दिखता भी है। लेकिन तब भी हम जो एक स्टैंडर्ड बुक लेके चलते हैं वो हम एक लेके चलते हैं, कौन सी आपकी, जो आपको सामने फोटो दिख रही होगी, ल्यूसेंट की समान ज्ञान। लेकिन अब ये समान ज्ञान भी जो पुस्तक है अब वो सफिशेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपके यूपीपीसीएस ने जो क्वेश्चन का दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब एक किताब से काम नहीं चलेगा, आपको एनसीईआरटी की किताब भी परचेज करनी पड़ेगी, सीबीएसई की किताब भी जनरल साइंस की परचेज करनी पड़ेगी, और समान विज्ञान जो है ये परचेज करनी पड़ेगी, एक आपकी साइंस रिपोर्टर मैगजीन आती है वो भी आपको परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए लगातार जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। किस तरीके से पिछले साल के कुछ एक दो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। जैसे कि आप देखें, तुलसी प्लांट हैज मेडिकल वैल्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग, इन चारों में से ऐसा तुलसी प्लांट में क्या मिलता है, उसकी मेडिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम रिकमेंड करते हैं कि तुलसी प्लांट से आप जो उसकी बूंदें निकलती हैं वो चाय पिए, उसमें चाय में डाल के पिए या पानी में डाल के पिए। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है आपका सी, फिनॉल और फ्लेवोनॉइड जो है वो आपके तुलसी प्लांट में मिलता है, जिसकी वजह से आप जो है ये तुलसी प्लांट मेडिकल वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। अब देखिए, ये देखा जाए तो तुलसी प्लांट यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो किसका पार्ट है, आपका बॉटनी का पार्ट है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सर्च करने की कोशिश करें इस किताब में तो वो आपको नहीं मिले। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बुकिश लैंग्वेज धीरे धीरे यूपीपीसीएस आपके यूपीएससी पैटर्न पे पहुंचता जा रहा है और ये सब चीजें हटाता जा रहा है कि आप एक ही बुक पे डिपेंडेंट रहे, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, देन अगर आप एक और इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखें जो आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईटेबल इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। तो सबसे पहले तो आपको यही पता चाहिए कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं हमारी बॉडी में और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। ठीक है,
और अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या है, इन चारों में से अगर की जाए तो एग में सबसे अच्छा क्या मिलता है, एसेंशियल अमीनो एसिड मिलता है। कई में देखा था किताबों में आपका फिश भी दे रखा था, कई किताबों में पल्सेस भी दे रखा था, लेकिन अधिकतर किताबों में आपका एग दे रखा था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी अगर आप देखें तो इस किताब में आपको नहीं मिलेंगे। तो फिर इसका सोर्स अगर देखा जाए तो कहाँ हुआ, इन इन क्वेश्चंस का सोर्स जो है कहाँ हुआ, तो देखो एनसीईआरटी किताबें आप लोग परचेज कर सकते हैं। एक तो बेसिक किताब होती है, ठीक है, क्लास 11th की साइंस की, जनरल साइंस की, जैसे बॉटनी की हो गई क्लास 11th की, और इसी के साथ आप किसकी कर सकते हैं, क्लास 12th की जो है परचेज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, एनसीईआरटी किताबों में सफिशेंट जो एग्जाम के लिए, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए डेटा होता है जनरल साइंस का, वो नहीं मिल पाता है। वो जो हिसाब से पब्लिश होती है कि स्कूल के बच्चों के काम आ जाए मेन तौर पर, अभी की जो किताबें हैं, तो इसके लिए जो आपके एडिशनल जो पब्लिकेशंस हैं, जैसे कि आपका एस चांद पब्लिकेशंस हैं, उनकी तरफ आपको जाना पड़ेगा, और उनकी क्लास 11th की किताब आपको और 12th किताब परचेज करनी पड़ती है। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये है कि मैंने इन्हीं किताबों से, जो आपके एस चांद पब्लिकेशन है, जितनी भी प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें हैं, उनसे हमने जो वीडियो कोर्सेज तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, उसमें से सारे डेटा आपको वीडियो लेक्चर्स में मिलेंगे या पीडीएफ फाइल में आपको मिलेंगे। सारी हाई किताबों से हम लोगों ने लेक्चर तैयार कर रखे, तो हमारा आप वीडियो कोर्स परचेज करेंगे तो आपको सारी फैसिलिटी जनरल स्टडीज की, जो 140 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी 10 से लेकर 20 के बीच में फ्लक्चुएट करेंगे साइंस के क्वेश्चन, आप वहां से क्या कर लेंगे, कैरी ऑन, लगभग लगभग 70-80% क्वेश्चन आराम से करके आ जाएंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए, और मेरे ऐप पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, इक्वेटर दून करके आप टाइप करेंगे तो आपको मिलेगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है मेरी ऐप का और कोर्स का, वहां से जाके आप कोर्स का जो प्रीव्यू है वो देख सकते हैं।